नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। मैं पिछले 7 दिनों से Realme GT 60 को यूज कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मेरा यूज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ फोन की पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। अगर आप ये फोन खरीदना चाहते हो थोड़ा टाइम देकर वीडियो को एंड तक देख लीजिए। ये वीडियो आपको मदद करेगा इस फोन को खरीदने में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इस फोन का बेस वेरिएंट को आप मत खरीदो भाई, क्योंकि बेस वेरिएंट में जो स्टोरेज टाइप है ना वो UFS 3.1। अगर आप 8GB 256GB वेरिएंट लेते हो उसमें UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलता है। ऐसे भी इस फोन में आप SD कार्ड को लगा नहीं सकते हो, तो आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो 8GB 256GB वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। ऐसे भी 8GB 128GB वेरिएंट और 8GB 256GB वेरिएंट में प्राइस में सिर्फ 2000 रुपीज का अंतर है। इतने दिनों में इस फोन का जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है वो है इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि इस फोन में है Snapdragon 7+ Gen 3 चिपसेट। इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन सबसे ज्यादा अंतुदु स्कोर लेकर आता है। इवन ये फोन जो है ना कभी भी हैंग नहीं हुआ है। मैंने बहुत बार इस फोन में मल्टीपल एप्स ने यूज करके देख लिया, यार अटकता नहीं है। इवन फोन यूज करने में स्मूथ फील होता है। ऐप ओपन ऐप क्लोज में जो एनिमेशन है वो भी स्मूथ है। इस फोन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है डे टू लाइफ यूज में गलती से भी ये फोन कभी भी हैंग नहीं होगा। वेल, अगर आप फोन से वीडियो एडिटिंग करते हो तो काइनमास्टर एप्लीकेशन के जरिए आप 4K में 60fps में वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी लैग नहीं होता है। इवन आप इस फोन में BGMI जैसा गेम हाई ग्राफिक सेटिंग में 60fps में खेल सकते हो। देखो यार, फोन का प्रोसेसर पावरफुल है, मुझे लग रहा है इस फोन में 90fps का सपोर्ट देना चाहिए था। खैर, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फिक्स किया जा सकता है। मैं हर रोज BGMI गेम घंटे तक खेलता हूँ। गेम खेलने के दौरान मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। HDR ग्राफिक में भी इसका फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है। इवन गेम में जो जायरो है ना वो स्मूथ भी मिलता है। पर बात रही हीटिंग इशू के बारे में, भाई ये फोन जो है हल्का सा गर्म होता है गेम खेलने के दौरान, लेकिन जल्दी जल्दी कूल भी हो जाता है। मैंने CPU थ्रॉटलिंग को रन किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 73% स्कोर आया है। इवन इस फोन के साथ मैंने Moto H50 Fusion का ऐप ओपनिंग टेस्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ऐप्स को ये फोन जो है जल्दी जल्दी ओपन कर रहा है। मेरे पास इसका 8GB 128GB वेरिएंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 8GB 256GB वेरिएंट को बाय करने के लिए। वेल, इस फोन का डिस्प्ले का जो साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखा है। डिस्प्ले का बेजल और चेन भी छोटा है। इसमें कर्व डिस्प्ले है, मेरे पास दूसरा कर्व डिस्प्ले फोन है। अब देखो यार, Realme का जो कर्व है ना वो अदर फोन से थोड़ा सा कम है। बाकी इसके डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले में पन्ने चढ़ा हुआ था जिसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देखो डिस्प्ले के ऊपर क्रैशेस आ चुका है। इतने कम दिनों में क्रैशेस आना ये अच्छी बात नहीं है। मेरा रिकमेंड है आप फोन खरीदने के बाद जितना जल्दी हो सके डिस्प्ले के ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा लेना। डिस्प्ले में और एक मेजर प्रॉब्लम मुझे मिला है, डिस्प्ले जो है ज्यादा फ्लिकरिंग करता है। देखो भाई, ज्यादा डिस्प्ले फ्लिकरिंग वाला फोन आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। भाई बहुत गर्मी है, पसीना पसीना हो गया है। इंटरटेनमेंट के मामले में ये फोन जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि इसमें 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। यूट्यूब पर आप 4K में HDR वीडियो देख सकते हो, लैग तो नहीं होता है। यहाँ पर कलर एक्यूरेसी उसी के साथ वीडियो में जो डिटेलिंग है ना वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फोन में आपके सामने जो वीडियो सैंपल है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो डिस्प्ले में कलर कितना बढ़िया आता है। वेल, इसका जो डिस्प्ले है LTPO है, तो 1 Hz से लेकर 120 Hz में ऑटोमेटिकली स्विच होता रहता है। और इसमें सारे एप्स 120 Hz में चलता भी है। इसका ब्राइटनेस मैक्सिमम 6000 nits तक जाता है और इसको आप आराम से डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो। इवन इसके डिस्प्ले में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर्स भी मिलता है। वेल, इसमें ड्यूल स्टूडियो स्पीकर है, आउटपुट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। फुल वॉल्यूम में भी इसका बैक पैनल प्राइवेट नहीं होता है और फुल वॉल्यूम में म्यूजिक का सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से सुनाई देता है। एक ट्रूली 5G फोन है, इसमें जियो का जो 5G नेटवर्क तगड़ा मिलता है, स्पीड देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख लो डिस्प्ले कितना फ्लिकरिंग हो रहा है। इवन आप ओ डायलर के जरिए चुपके से कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। पर डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और तो इसमें ड्यूल माइक भी है जो नॉइस को अच्छी तरीके से कैंसलिंग कर लेता है। फोन में वाईफाई 6 है, NFC भी है। इसका बैटरी बैकअप भी मुझे सुपर लगा है। डिटेल में मैंने इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, स्किन ऑन टाइम मुझे 6 hours 30 minutes के आसपास में मिला है। मैंने बहुत हार्ड में इसकी बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो फोन को आप नॉर्मल यूज करोगे ना, एक दिन से भी ज्यादा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। वेल, फोन जल्दी जल्दी चार्ज भी हो जाता है। मेरे टेस्ट में फोन 26 मिनट में फुल चार्ज हो गया है और चार्जिंग के दौरान फोन हल्का सा हीट होता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और इसका आइडल बैटरी ड्रेन भी ज्यादा नहीं होता है। 10 PM में 100% चार्ज है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। या बस 6 PM में देखो 97% चार्ज है। फोन का बिल्ड क्वालिटी लेकर मेरा शिकायत है भाई,
क्योंकि भाई इसके बैक पैनल जो है पॉलीकार्बोनेट का है। हालांकि इसमें अच्छा पॉलीकार्बोनेट यूज किया है लेकिन ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर आप देखो फिंगरप्रिंट का निशान भर भर के आता है, तो आपको बार बार ऐसे क्लीन करना होगा। इस क्लीनिंग के चक्कर में अगर गलती से फोन हाथों से गिर जाए तो भाई रम रम सकता है। इसका फ्रेम देखो यार बहुत पतला है, फोन हाथों में कंफर्टेबल फील देता है। हालांकि हाथों से फिसलता भी है, लेकिन इसमें 5500 mAh बैटरी होने के बावजूद भी इसका वेट 200 ग्राम के अंदर है। वेल जो फोन है ना आदर्श फोन से हल्का सा चौड़ा है, तो आपका हाथ छोटा है तो यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगा। बाकी इसमें IP65 का रेटिंग है और सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो हर बार एक्यूरेट और अच्छी तरीके से काम भी करता है। इसमें कर्व डिस्प्ले फिर भी इसमें मिस टच नहीं होता है, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इवन इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो अच्छा है। जब आप फोन की वॉल्यूम को अप एंड डाउन करोगे यहाँ पर टक टक करके हैप्टिक्स होता है, जब आप बैक करोगे यहाँ पर भी हैप्टिक्स होता है। इसके ऊपर में IR ब्लास्टर है, आप फोन को एज रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। वेल फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 में रन हो रहा है और यहाँ पर रियलमी UI 5.0 भी है। रियलमी ने प्रॉमिस किया इस फोन में 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देगा। अच्छी बात है इस फोन में हॉट एप्स हॉट गेम्स नहीं मिलता है, लेकिन पुश नोटिफिकेशन आता है, अच्छा अच्छा फीचर्स भी इसमें है। इस फोन के पीछे में डबल टैप करने के बाद QR कोड को इजीली स्कैन कर लेता है। इस फोन में आप थंब के जरिए हार्ट रेट मॉनिटर को चेक कर सकते हो। ऑलोजन डिस्प्ले जैसा फीचर्स भी इसमें है। लॉक स्क्रीन में ओ ड्रॉ करके आप तुरंत कैमरा को ओपन कर सकते हो। इवन आप लॉक स्क्रीन में वी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट को ऑन और फ्लैश लाइट को ऑफ कर सकते हो। ऐप लॉक, ऐप हाइट, प्राइवेट सेफ, बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स इसमें है। फ्लोटिंग विंडो जैसा फीचर्स भी है। इवन आप सेम टाइम में मल्टीपल एप्स में भी काम कर सकते हो। लेकिन इसकी UI में अभी भी बग्स है जो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फिक्स्ड किया जा सकता है। वेल लास्ट में बात करते हैं इसकी कैमरा के बारे में। फोन के पीछे में डुअल कैमरा सेटअप है, दोनों कैमरा काम का है भाई। प्राइमरी जो सेंसर है वो सोनी का सेंसर है, सामने जो सेल्फी कैमरा है ये भी सोनी का है। इसके बैक कैमरा से आप 4K में 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और सेल्फी कैमरा से 4K में 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो में ऑटो फोकस फर्स्ट है और लाइट को अच्छी तरीके से मैनेज भी कर लेता है। बैक कैमरा से आप 20x जूम में फोटो क्लिक कर सकते हो और 10x जूम में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी दोनों कैमरा से आप हर एक लाइटिंग सिचुएशन में अच्छा फोटो कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पर फोटो में डिटेलिंग मस्त आता है, जूम करने के बाद भी फटता नहीं है। इवन ये फोन लाइट को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, स्किन टोन की कलर को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। नाइट में मैंने 2 सेल्फी 2 फोटो क्लिक किया था, यहाँ पर आप देखो लो लाइट में अच्छा फोटो कैप्चर करता है। इवन इसकी पोर्ट्रेट मोड में भी आप शानदार फोटो ले सकते हो। यहाँ पर एज डिटेक्शन अच्छा आता है, स्किन टोन को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, लाइक DSLR जैसा फोटो भी क्लिक कर लेता है। इसकी अल्ट्रावाइड सेंसर में कलर शिफ्ट तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन डिटेलिंग बहुत ही कम है। लास्ट में मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ, इस Realme GT60 को खरीदना चाहिए कि नहीं। देखो यार मैंने आपको जैसे बताया, फोन लेना है तो 8GB 256GB वेरिएंट लो। फोन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, आपको वो सारी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जैसे कि बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर क्रैशेस आ गया है। गोरिल्ला वेक्टस 2 का जो प्रोटेक्शन है वो मुझे इतना खास नहीं लगा है। बाकी इसके बैक पैनल में बहुत फिंगरप्रिंट का निशान आता है, तो फोन को थोड़ा संभाल के यूज करना होगा क्योंकि बैक पैनल स्लिप भी करता है। BGMI गेम में 90fps का सपोर्ट देना चाहिए था, इस सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फिक्स्ड किया जा सकता है। बाकी इसका डिस्प्ले जो है ना ज्यादा फ्लिकरिंग करता है, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा फोन खरीदने के टाइम। अगर आप ये सारी कमियां को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो भाई, इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है, आप जरूर परचेस कर सकते हो इस फोन को। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में आप मुझे कमेंट में बताओ, मुझे भी पता चलेगा। देखो भाई इस फोन को मैंने खुद के पैसे से खरीद के पिछले 7 दिन तक यूज करके एक ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।